हेलो बच्चों, एक बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की यूपी टीएससी की जो ऑडिटर या असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम होने वाला है आपका, उसकी प्रिपरेशन मैं करा रही थी, उसको बैक टेस्ट सॉल्व करवा रही थी। आज आप लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी की लागत, जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। क्या होती है पूंजी की लागत, किसी फॉर्म के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है, कितनी तरह की होती है, कैसे निकाली जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस तरह की वीडियोस के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स का शेयर कर दीजिएगा। और इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है, जो बच्चे नए हैं वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई वीडियो को शुरू करते हैं और ये समझते हैं सबसे पहले हम कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी थ्योरी में भी समझना इसको कि क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। तो अभी तक हमने ये समझ लिया था इसके बारे में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जो हम अपनी बनाते हैं, कि किस तरह की कैपिटल हमारी जो एक कंपनी है, एक फॉर्म है, उसमें होनी चाहिए। तो उसमें ही हमने समझा था कि जो कैपिटल का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है, जो आप जो शेयर्स होते हैं, जो डिबेंचर्स होते हैं, जो लोन हम लेते हैं, इस सबको मिला करके हमारा जो बनता है वो स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि हमें ये तो समझ में आ गया कि हाँ हम इतना ले सकते हैं, टोटल इतनी कैपिटल रखेंगे, लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये भी होता है उस स्ट्रक्चर में कि उस पूंजी की या जो भी हम जिस भी तरह की पूंजी लेना चाह रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। क्योंकि आपको पता है कुछ भी लाइफ में फ्री तो होता नहीं है, हर चीज़ की कुछ कॉस्ट होती है। इसी तरह जो आपके शेयर्स होते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हों, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हों, चाहे वो डिबेंचर हों, चाहे वो रिटेन अर्निंग हो, सबकी अपनी एक कॉस्ट होती है, एक लागत होती है। तो उसे निकाला जाता है, देखा जाता है, जिसकी लागत कम आ रही होती है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो वही हो जाती है आपकी पूंजी की लागत। अब अगर हम एक सिंपल लाइन में या जो है बुकिश लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो क्या हो जाती है कि जो पूंजी के स्रोत होते हैं, जो कैपिटल का सोर्सेज होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी आप उसके बदले में देते हैं या जो भी मूल्य चुकाते हैं या पे करते हैं, वही हो जाती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। यस, तरह से भी कह सकते हैं द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न अ कंपनी मस्ट अर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द कंपनी। की जो पूंजी की लागत है वो प्रत्यय दर है या वो रेट ऑफ रिटर्न है जिसको कि एक कंपनी को अचीव करना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, अपना जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है उसको बनाए रखने के लिए, अपनी कंपनी की वैल्यू को बनाए रखने के लिए। तो ये हो जाता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब किस तरह की होती है, तो ये आपकी जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उन पर निकाली जाती है, प्रेफरेंस शेयर्स पर निकाली जाती है, डिबेंचर्स पर निकाली जाती है। तो यहाँ पर डिबेंचर्स पर जो निकालते हैं, रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, यानी शोधनीय होते हैं अशोधनीय होते हैं, दोनों तरह के होते हैं, तो उन पर अलग अलग निकाली जाती है। या इसके अलावा टैक्स, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स भी निकाली जाती है, सबके फॉर्मूलाज अलग अलग होते हैं। तो क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे हम उसे देखते और समझते चलेंगे। अब आइए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या है और कैसे उसे हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, समता अंश या ऋण की लागत को डैश के रूप में जाना जाता है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स आर डेब्ट इज नोन एज डैश। द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द रिलेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द बर्डन ऑन द शेयर होल्डर, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये आपकी लागत आती है प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स की या जो आपके डेब्ट होते हैं उनकी, तो किस तरह की लागत होती है, तो वो हो जाती है पूंजी की विशिष्ट लागत, द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में लाभांश को बाजार मूल्य अपॉन प्रति अंश शुद्ध आय से विभाजित करके पूंजी की लागत की गणना करना शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इन्वॉल्व्स कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय डिवाइडिंग द डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस अपॉन नेट प्रोसेस नेट प्रोसीड पर शेयर। एडजस्टेड प्राइस मेथड, प्राइस अर्निंग मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड, एडजस्टेड डिविडेंड मेथड। तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है जो फॉर्मूला दे रखा है वो किस चीज़ को निकालने का फॉर्मूला है और किस मेथड से है। यहाँ पर मेथड मेनली आपसे पूछा गया है, तो जो आप जो डिविडेंड दे रखा होता है उसको मार्केट प्राइस या फिर जो आपके नेट प्रोसीड है उससे डिवाइड करके निकालते हैं, तो वो फॉर्मूला होता है आपका डिविडेंड यील्ड मेथड का, लाभांश उपार्जन विधि का। और ये किस चीज़ को निकालने का फॉर्मूला होता है, ये जो समता अंश होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला होता है। तो जो आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं उसमें तीन तरह के फॉर्मूले मेनली रहते हैं निकालने के, आइए एक बार देख लेते हैं क्विकली, कोई भी एग्जाम में पूछेगा तो आपको ईजी रहेगा। पहला हो जाता है अर्निंग यील्ड मैथड, इसका फॉर्मूला होता है ई पी एस अपॉन एम पी एस और एन पी इंटू 100। ई पी एस हो जाता है अर्निंग पर शेयर
अपॉन में एमपीएस है मार्केट प्राइस पर शेयर और एनपी हो जाता है नेट प्रोसीड, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे क्योंकि ये परसेंटेज में निकलते हैं, इसमें जितनी भी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी सब परसेंटेज में आती है तो इंटू 100 जरूर किया जाता है। ये हो जाता है आपका अर्निंग यील्ड मेथड। दूसरा हो जाता है लाभांश स्पेशल विधि डिविडेंड यील्ड मेथड, उसका निकालने का फॉर्मूला हो जाता है डीपीएस अपॉन एमपीएस आरएनपी इंटू 100। डीपीएस जो आपका डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा, एमपीएस सही मार्केट प्राइस पर शेयर, एनपी हो जाता है नेट प्रोसीड इंटू 100। यहाँ पर यही फॉर्मूला आपके क्वेश्चन में पूछा भी गया है और आंसर आपका यही है लाभांश स्पेशल विधि यानी कि डिविडेंड यील्ड मेथड। और थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, लाभांश प्रतिफल या फिर लाभांश वृद्धि विधि डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोइंग डिविडेंड मेथड, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इसका फॉर्मूला दे देता है, पूछता है कि ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला जो निकालने का है ये आपका लाभांश प्रतिफल तथा लाभांश वृद्धि विधि है और किसको निकालने के लिए है, इक्विटी शेयर से होते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं, डीपीएस अपॉन एमपीएस आरएनपी इंटू 100 सेम एज इट इज वही है जो आपका लाभांश उपार्जन विधि में था, बस साथ में प्लस में जी कर दिया जाता है। जी क्या हो जाता है, जो ग्रोथ रेट होती है उसको जोड़ दिया जाता है, जो डिविडेंड अगर बढ़ रहा है जो ग्रोथ रेट उसमें आ रही है वो क्वेश्चन आपके दे रखा होता है उसको ऐड कर दिया जाता है साथ में अलग से, वो निकल के आ जाता है आपका डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोइंग डिविडेंड मेथड। तो ये तीन फॉर्मूलाज होते हैं जो आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं उसकी कॉस्ट को निकालने के। यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी की भारित औसत लागत में एक संगठन डैश के माध्यम से अपनी पूंजी की लागत को प्रभावित कर सकता है, इनवेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन अफेक्ट इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल थ्रू डैश द पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट द पॉलिसी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर द पॉलिसी ऑफ डिविडेंड ऑल ऑफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पूंजी की भारित औसत लागत होती है उसके लिए एक संगठन जो होता है किन के माध्यम से जो पूंजी की लागत है या जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है उस पर इफेक्ट डाल सकता है, उसको प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर निवेश की नीति बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस पर डिपेंड करेगा उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट होगी, कैपिटल स्ट्रक्चर भी होगा और पॉलिसी ऑफ डिविडेंड। लाभांश की नीतियाँ क्या है, क्योंकि लाभांश की नीति बहुत इफेक्टिव होती है, किस तरह से लाभांश दिया जाता है, संचित दिया संचय होता है असंचय है किस तरह का है, वो तो सारी चीजें इफेक्ट डालती हैं। तो एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वास्तविक लाभप्रदता पूंजी की अनुमानित लागत डैश है तो वित्तीय प्रदर्शन संतोषजनक कहा जा सकता है, इफ द एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी इज डैश द प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मे से टू बी सैटिस्फैक्टरी मोर देन लेस देन इक्वल टू नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है या जो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी आई है और जो हमने एक प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल रखी थी तो उससे ज्यादा है, यानी कि हमने जितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अभी मैंने आपको बताया था कि जो रेट ऑफ अर्निंग होती है रेट ऑफ रिटर्न होता है और जो हमने एसेट को लगाया है जितने हमने इन्वेस्टमेंट किया है उससे ज्यादा दर होनी चाहिए उसकी, उससे ज्यादा हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न आना चाहिए तब माना जाता है कि ये प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने प्रोजेक्ट करी थी और जो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी आई है वो ज्यादा आई है उससे, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका मोर देन हो जाएगा, से अधिक, इफ द एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी इज मोर देन द प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मे से टू बी सैटिस्फैक्टरी, कि अगर एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तब हम कहेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है। एग्जाम्पल हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत लागत क्या है, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल, इट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी डिसाइड्स टू रेज फाइनेंस फॉर इट्स ऑपरेशन, इट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस ऑल ऑफ द अबव। तो सीमांत लागत की जब भी बात होगी याद रखिएगा जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है उसमें हमेशा एक चीज ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट की जो कॉस्ट आती है जितना अभी तक आप बना रहे थे उससे जब आप एक इकाई ज्यादा बना रहे होंगे, एक इकाई ज्यादा कोई काम को कर रहे होंगे, एक यूनिट ज्यादा आप कोई काम को कर रहे हैं, वहां पर जो उसकी कॉस्ट आएगी वही मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है। यहाँ पर जो कह रहा है कि ये पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की लागत है, यानी कि जो आप कैपिटल है उसकी जो एक एक्स्ट्रा यूनिट एक और यूनिट जो आपको अचीव करने के लिए जितनी भी कॉस्ट आएगी वही हो जाती है मार्जिनल कॉस्ट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी की लागत को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से किस कारक को फर्म द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है,
Which of the following factors affecting the cost of capital can be controlled by the firm? Tax rate, dividend policy, level of interest rates, all of that. यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पूंजी की जो लागत होती है उसको जो फैक्टर्स हैं इफेक्ट डालते हैं उसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पर फर्म का नियंत्रण रहता है या फर्म के कंट्रोल में रहता है, उसको फर्म नियंत्रित कर सकती है। तो यहाँ पर किस फैक्टर को फर्म नियंत्रित कर सकती है, वो हो जाती है आपकी लाभांश नीति, डिविडेंड पॉलिसी। क्योंकि टैक्स रेट पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना, क्योंकि आपको टैक्स रेट कितनी होगी, बढ़ेंगी घटेंगी, किसको कितना टैक्स लगाया जाएगा, ये सब उसके कंट्रोल में नहीं होता, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और साथ ही लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, क्या ब्याज की दरें रहेंगी, वो तो ब्याज की दरों पर कंट्रोल किसका होता है, रिजर्व बैंक करेगा, उसका कोई जो है अपना जो बिजनेस है ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन वो अपनी डिविडेंड पॉलिसी कैसी बनाएगी, कितना रखेगी, कितनी ग्रोथ रेट देना चाह रही, किस तरह की फॉर्मूले को यूज़ करना चाह रही, वो उसके अपने हाथ में, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकती है। तो यहाँ पर वो नियंत्रण रख पाएगी सिर्फ और सिर्फ अपनी डिविडेंड पॉलिसी पर। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। टैक्स रेट तो हर साल चेंज हो जाती है, अगर इनकम टैक्स की हम बात करें तो हर साल ही टैक्स रेट चेंज हो जाती है, डिडक्शंस में अलग अलग चेंजेस आ जाते हैं, या इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। अगर आपका इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वहाँ पर भी चेंजेस गवर्नमेंट लगातार करती रहती है, पर ईयर चेंज होते हैं, लेकिन उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने जो भी हमारा बिजनेस है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमें अपने रूल्स को रेगुलेशन को उसी के अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। हम उसमें चेंजेस नहीं ला सकते क्योंकि वो सब आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट से रिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए फ्री हैं, कोई पेड बुक नहीं है। जो भी आपकी वीडियोस आ रही हैं या आगे भी आएंगी, वो सब आपका एक फ्री बैच चल रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक फर्म के लिए पूंजी की लागत डैश है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ए फर्म डैश इज द रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन द टोटल एसेट्स ऑफ ए फर्म रिफर्स टू द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वैरीज इनवर्सली विद द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डेट नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फर्म है, उसके लिए जो पूंजी की लागत है उसका क्या अर्थ होगा। किसी फर्म की कुल संपत्ति पर आवश्यक प्रतिफल है, प्रतिफल की आंतरिक दर को संदर्भित करता है, ऋण की कुल लागत के विपरीत भिन्न होता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो एक फर्म की जो पूंजी की लागत होती है वो क्या हो जाएगी, उसकी जो फर्म की जो टोटल एसेट्स होती है उस पर मिलने वाला उसको आवश्यक प्रतिफल होती है, रिटर्न होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ए फर्म इज द रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन द टोटल एसेट्स ऑफ ए फर्म, एक आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतांश पूंजी की लागत ऋण की लागत से अधिक है क्योंकि द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ डेट बिकॉज इक्विटी शेयर्स कैरी अ हायर रिस्क देन डेट, द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज लोअर देन द फेस वैल्यूज ऑफ डिबेंचर्स इन द मोस्ट केसेस, इक्विटी शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड ए फिक्स डिविडेंड रेट, इक्विटी शेयर्स आर नॉट इजली सेलेबल। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो समतांश पूंजी होती है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, उसकी कॉस्ट जो होती है वो जो डिबेंचर की कॉस्ट होती है उससे ज़्यादा आती है, ऐसा क्यों होता है। ये क्वेश्चन में कह रहा है क्योंकि अगर आप इक्विटी शेयर्स ले रहे हैं और आपने डिबेंचर लिए तो डिबेंचर की कॉस्ट कम आती है और इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट ज़्यादा आती है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो समतांश होते हैं वो जो ऋण पूंजी होती है उसकी तुलना में उसमें जोखिम ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रिस्क रहता है। क्यों रिस्क ज़्यादा रहता है, आप अगर पैसे लगा रहे हैं किसी भी कंपनी में, एक तरफ आपको ये पता है कि आपको पर ईयर इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा तो आप वहाँ पर श्योर है, आपका रिस्क नहीं है। आपने अगर कहीं पर भी सपोज कर लीजिए 1,00,000 रुपये लगाए, आपको पता है आपको उस 1,00,000 पर 10% हर साल मिलता रहेगा, तो 10,000 रुपये आपको फिक्स हैं, बताएं मिलने, कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको मतलब नहीं, आपको 10,000 मिलने तो आपके लिए रिस्क कम है उसमें। लेकिन आपने अगर इक्विटी शेयर्स लिए तो वहाँ पर डिविडेंड कितना होगा आपको नहीं पता, कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा उसी के अकॉर्डिंग वो अपना डिविडेंड डिसाइड करेगी कि वो आपको कितना देगी, और अगर किसी साल उसको प्रॉफिट नहीं होता है तो वो आपको हो सकता है डिविडेंड ना ही दे, तो वहाँ पर रिस्क क्या है, ज़्यादा है। तो जब भी आप अगर उसमें इक्विटी में कैपिटल लगाना चाहेंगे, अगर आप इक्विटी शेयर्स लेना चाहेंगे तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होने की वजह से आप उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज़्यादा आएगी, उनकी आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप जो डिबेंचर्स में लगा रहे होंगे तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी आपके पास हो, कंपनी के पास ये रहेगा कि उसको लगातार देना है, इसलिए वो उसमें उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रखेगी। इस वजह से होता है कि जो आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं वहाँ पर जोखिम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर द डिविडेंड यील्ड मेथड। लाभांश प्रतिफल विधि के अंतर्गत क्षमता की लागत की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। अभी हमने ये सारे मेथड्स देखे ही थे इक्विटी शेयर कैपिटल निकालने के, तो यहाँ पर जो पूछा है डिविडेंड यील्ड मेथड पूछ लिया है। क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जो करेक्ट होगा आपका थोड़ा सा ध्यान बस ये दीजिएगा कि के ई क्या हो जाता है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसका एक सिंबल है ये, इक्विटी की पूछी है इसलिए ई लगा हुआ है। डी फॉर डिविडेंड हो जाएगा और पी जो होगा वो प्राइस के लिए रखा गया है, यहाँ पर मार्केट प्राइस जो था उसको पी जीरो लिखा गया है, इंटू 100 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अगर फॉर्मूलाज जो है आप लोग लर्न करके जाइएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं, अक्सर आते हैं। कभी कभी जो मैचिंग में दे देता है, आपके चार ऑप्शंस दे देगा, एक साइड चार फॉर्मूले होंगे, आपने ऑप्शंस में आपको देखना होगा कि कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अशोधनीय को अधिकार अंशों की लागत की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है। यहाँ पर आपको बताना है फॉर्मूला, क्या करेक्ट फॉर्मूला होगा जब आप निकाल रहे होते हैं जो अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश होते हैं उनकी लागत को। प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100, प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 1-t, प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 1-t अपॉन नेट प्रोसीड, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 1-t। यहाँ पर टी फॉर का मतलब हो जाएगा टी से टैक्स की बात हो की जा रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप निकाल रहे होते हैं अंशों की लागतों को, यानी कि जब आप शेयर्स की जो होते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे होते हैं, तो वो निकल के आपकी आफ्टर टैक्स ही आती है। आपको अगर बिफोर टैक्स करना है तो बाद में आप 1-t से करते हैं, और पहले जो आपकी निकल के आती है वो आफ्टर टैक्स ही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो लाभांश होता है, क्योंकि तो यहाँ पर क्या रहता है कि जो पूर्वाधिकारांश पूंजी की लागत होती है हमेशा करके बाद ही मानी जाएगी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा निकालने का ऐसे इरिडीमेबल का, जो अशोधनीय होते हैं उसका, तो वो हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रॉफिट इंटू 100। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर आपसे पूछे बिफोर टैक्स के बारे में, तो बिफोर टैक्स एज इट इज निकाला जाता है, अपॉन में 1-t आ जाता है, तो 1-t जो होता है वो अपॉन में रहता है। तो जो टैक्स रेट दे रखी होती है उसको जो है माइनस करके 1 से उसके बाद फिर डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी की लागत डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डैश, परसेंटेज, फ्रैक्शन, होल नंबर, नंबर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो पूंजी की लागत है, अभी मैंने आप लोग को बताया था इसके बारे में कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसे आप परसेंटेज में निकालते हैं, इसीलिए हम इंटू 100 लगाते हैं। तो परसेंटेज में निकालते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए, परसेंटेज, प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में पूंजी की लागत को डैश के आधार के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इन मॉडर्न टाइम्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वाइडली यूज्ड एज बेसिस ऑफ डैश। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बोथ ए एंड बी नन ऑफ दैट। क्वेश्चन ये कह रहा है, आज के टाइम में जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे होते हैं, तो उसमें आधार यानी कि किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट होता है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालना, या उसमें यूज करने के लिए उन योजनाओं में या जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। निवेश परियोजनाएं, वित्त के वैकल्पिक स्रोतों का मूल्यांकन करना, ए और बी दोनों उपयुक्त से कोई नहीं। तो जो हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि हमें ये देखना है कि कितनी कैपिटल हमें चाहिए है, अभी हम किस स्टेज पर हैं अपने बिजनेस में, साथ ही हमारे बिजनेस की क्या आगे ग्रोथ हो सकती है, या जो अभी इन्वायरमेंट की जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो कैसा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी हैं, बहुत सी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। आज की वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इसके अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी थोड़े से मैं सॉल्व करवा दूंगी। ओके, आपके 40 क्वेश्चंस में से 4-5 क्वेश्चंस प्रॉब्ली पूछेगा ही न्यूमेरिकल में, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो इसके जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उस पर लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स साथ शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।